नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम ने बीते शनिवार को मुंबई में चल रही एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड मारी। इस दौरान 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, जी हाँ सही सुना आपने, शाहरुख खान यानी कि SRK के बेटे आर्यन खान का नाम भी शामिल है। पूछताछ के बाद रविवार दोपहर आर्यन खान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़े चैनल से खास बातचीत में एनसीबी के डीजी SN प्रधान ने बताया कि रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान हमें चरस, MDMA और एक्सटेसी यानी कि सिंथेटिक ड्रग बरामद हुआ। अभी तक 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी जा रही है। आगे इस सिलसिले में गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इसके नेटवर्क की विस्तृत छानबीन करके आगे की कार्रवाई इस मुद्दे में करी जाएगी। इंडस्ट्री के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान 1997 में एक बार सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी गौरी भी थी। कुछ वक्त पहले ही उनका बेटा आर्यन पैदा हुआ था। जब इंटरव्यू में शाहरुख से उनके बेटे के बारे में बात करी गई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शाहरुख का कहना था कि जब आर्यन खान 3 से 4 साल का हो जाएगा तो वो उससे कहेंगे कि वो लड़कियों के पीछे जा सकता है, ड्रग्स ले सकता है और सेक्स कर सकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि आर्यन वो सब कार्य जल्दी ही शुरू कर दे जो मैं नहीं कर पाया था। डीजी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि आम तौर पर इस तरह के केस में छानबीन के साथ साथ इसका दायरा बढ़ता जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में भी ऐसा ही होगा। आगे छानबीन में उम्मीद है कि हम लोग इसकी तह तक पहुंचेंगे। हालांकि जब जी न्यूज़ संवाददाता ने किसी सेलिब्रिटी के रिलेटिव को लेकर सवाल पूछा तो डीजी ने जुडिशियल सिस्टम का हवाला देकर इसे टाल दिया, लेकिन इस बात का खुलासा किया कि इसमें बॉलीवुड समेत दिल्ली के भी कई कनेक्शन मिले हैं और अब इस बात की तहकीकात करी जा रही है। एनसीबी के डीजी ने सरकार के नशा मुक्ति अभियान का हवाला देते हुए आगे ये बात भी कही कि इस तरह के नशे से पूरी सप्लाई चेन को तोड़ना हमारा कर्तव्य है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं देश को कि एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस तरह के नशे के व्यापार को दोहराने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भारत में नशा या नशीले पदार्थ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए इम्पैक्टफुल कार्रवाई करी जाएगी। अभी तक की कार्रवाई को टीम इंडिया की कार्रवाई बताते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरीके की रेव पार्टियों पर एनसीबी की रेड जारी रहेगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उन्होंने आर्यन का मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया है। इसी बीच खबर है कि आर्यन के मामले की पैरवी मशहूर वकील सतीश मानशिंदे करेंगे। आपको बता दें कि सतीश मानशिंदे एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और सतीश मानशिंदे वही वकील हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की भी पैरवी करी थी। आपको मालूम हो कि सतीश मानशिंदे एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं और मानशिंदे ने सलमान खान और संजय दत्त तक के भी केस लड़े थे और जीते भी थे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने अभी अपना केस जीतने के लिए सतीश मानशिंदे को हायर किया था। वो कोर्ट की हर तारीख के लिए एक अच्छी खासी फीस लेते हैं और आप समझ सकते हैं जिस तरीके के देशद्रोही लोगों को आज समर्थन किया जा रहा है कुछ वकीलों के द्वारा, वो बात इस देश के हित में नहीं है। इन लोगों के मोबाइल जो जब्त करे गए हैं उसके चैट में ड्रग्स से रिलेटेड कॉन्वर्जेशन भी हुई हैं, लेकिन आर्यन के स्पोक्स ने इस पार्टी में उनके शामिल होने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे के लेंस के डिब्बे से ड्रग्स बरामद किया गया है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। एनसीबी के सूत्रों के हवाले से मीडिया ने जानकारी दी है कि इस क्रूज पार्टी के लिए एंट्री फी के तौर पर शामिल लोगों ने 60,000 से 5,00,000 रुपये तक दिए थे। पार्टी में लगभग 600 लोग शामिल थे जिन्हें इंस्टाग्राम के जरिए इनवाइट किया गया था। पार्टी में शामिल ज़्यादातर लोग दिल्ली के रसूखदार परिवारों से संबंध रखते हैं। यह क्रूज पार्टी एक विदेशी कंपनी और एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर आयोजित कराई थी। सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए लोगों ने अपनी सिलाई के भीतर महिलाओं ने पर्स के हैंडल, अंडरवेयर की सिलाई वाले हिस्से, कॉलर की सिलाई और जूतों में ड्रग्स छिपाए गए थे। एनसीबी आर्यन खान सहित हिरासत में लिए गए लोगों के मेडिकल टेस्ट करवाएगी ताकि ये बात पता चल सके कि किस किस ने ड्रग्स का सेवन वहाँ पर किया था। आपको बता दें कि शनिवार को मुंबई के समुद्र में क्रूज पर चल रही एक ड्रग्स पार्टी में एनसीबी ने भारी मात्रा में कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ जब्त करे और 10 लोगों को हिरासत में लिया था। ये जहाज मुंबई से गोवा जा रहा था। एक पुख्ता टिप मिलने के बाद मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और अन्य एनसीबी अधिकारी जहाज में आम यात्रियों की तरह सवार हुए और ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने PM मोदी से सवाल किया कि क्या उन्होंने नाथूराम गोडसे पर फिल्म बनाने की इजाज़त दी है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी के जीवन पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता अब बापू की हत्या करने वाले आतंकवादी नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने की होशियार कोशिश के तहत गोडसे पर फिल्म बनाने जा रहे हैं।
पीएम मोदी से सवाल करने के पीछे संजय सिंह का लॉजिक ये था कि फिल्म के निर्माताओं में से एक संदीप सिंह ने 2019 में पीएम मोदी की बायोपिक बनाई थी। उल्लेखनीय ये है कि किसी फीचर फिल्म या बायोपिक को बनाने के लिए किसी भी मेकर्स को प्रधानमंत्री से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक यह सीधे तौर पर उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ना हो। फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार हो जाने के बाद निर्माता सेंसर बोर्ड से संपर्क करते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं ताकि वो फिल्म भारत में रिलीज़ हो सके। मगर संजय सिंह इस बायोपिक के बारे में इसकी टीम से पूछने के बजाय पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म की घोषणा फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर ने गत गांधी जयंती पर की थी। महेश मांजरेकर ने गांधी जयंती पर यह ट्वीट किया कि नाथूराम गोडसे की कहानी हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। गोडसे पर आने वाली फिल्म का निर्माण लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो और थिंकिंग पिक्चर के बैनर तले किया जाएगा। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इसके 2022 के सेकेंड हाफ में रिलीज़ होने की उम्मीद है। प्रेस रिलीज में मांजरेकर ने कहा कि इस तरह की फिल्म का समर्थन करने के लिए काफ़ी साहस चाहिए। मैं हमेशा कठिन विषयों और बिना समझौता किए कहानी कहने में विश्वास रखता हूँ। लोग गोडसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं सिवाय इसके कि वो गांधी पर गोली चलाने वाले व्यक्ति थे। उनकी कहानी बताते हुए हम ना तो किसी को संरक्षण देना चाहते हैं और ना ही किसी के खिलाफ बोलना चाहते हैं। हम इसे दर्शकों पर छोड़ देंगे कि कौन सही है या गलत। महेश मांजरेकर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ये बातें लिखीं। यदि आज इस देश में एक फिल्म डायरेक्टर नाथूराम गोडसे पर फिल्म बनाने की बात करता है तो आखिरकार संजय सिंह को, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको इस बात से क्या तकलीफ हो सकती है। जब इस देश में हिंदुत्व के खिलाफ पिछले 5 से 6 दशकों से लगातार एक के बाद एक फिल्में बन रही हैं, लेकिन यदि एक फिल्म नाथूराम गोडसे के बारे में बनती है और जिसमें कि किसी को भी संरक्षण या किसी समाज को बड़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया जाएगा, सत्य जैसा है वैसा ही दिखाया जाएगा ऐसा उनका दावा है, तो ऐसी फिल्म के आने से उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म के दोहरे मानदंड हैं, क्योंकि इनको चलाने वाला जो एजेंडा है वो सऊदी अरब से लेकर तुर्की इस्तांबुल तक में एक्टिव है और विदेशों से अक्सर देशद्रोही मूवीज़ के फंडिंग आती रहती है। इस बात को आप भलीभांति जानते हैं, लेकिन यदि कोई एक फिल्म नाथूराम गोडसे के बारे में बनती है तो इससे भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में कैसे आ जाता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप लोगों के ऊपर भी इस बात का सवाल आज छोड़ के जाता हूँ कि देश में क्या सेक्युलरिज्म का एकमात्र अधिकार हिंदुओं का दमन करने के लिए है? क्या सेक्युलरिज्म का सीधा सीधा जो अर्थ है वो हिंदुओं की जनभावनाओं को आहत करना है? क्या यही सेक्युलरिज्म का अर्थ है? कमेंट में इस विषय का उत्तर आप देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।